हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो नंबर 32 में ये कॉन्टीन्यूअस थ्रेड मेथड के साथ कैसे लेस को वीव किया जाता है ये सिखाया था, और इसके साथ हम कैसे ब्यूटीफुल मोटिव क्रिएट कर सकते हैं वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आज इसी से मिलता जुलता मैं एक और कॉन्टीन्यूअस थ्रेड मेथड की लेस सिखाने जा रही हूँ, जैसे कि ये लेस है। ये लेस भी इसी तरीके से बनती है। इसमें हमने जो सर्कल्स बनाने हैं उनको ज्वाइन नहीं करना, बल्कि जो कॉन्टीन्यूअस थ्रेड मेथड से वीव करके हमने बनाना है उसको हमने टॉप पे जो ऊपर वाली पिकेट है उसके साथ अटैच कर देना। बस यही एक मॉडिफिकेशन है। इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको दो कलर्स आपस में ज्वाइन करना बताऊंगी। मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल में भी बताया था, आज फिर मैं आपको सिखा रही हूँ कि आपने जब दो कलर्स की लेस बनानी है तो आपने सबसे पहले स्क्वायर नॉट बनाना है। स्क्वायर नॉट बनाने के लिए एक गांठ दूसरी गांठ लगा के और ऐसे इसको जोड़ना है कि जो दो कलर, एक कलर जो है वो एक तरफ चला जाए, दूसरा कलर दूसरी तरफ चला जाए। उल्टी साइड नहीं करना, इस तरीके से। अब इसको छुपाना कैसे है ये भी मैंने आपको सिखाया, आज फिर सिखाऊंगी कि इसको कैसे छिपाया जाता है। ये जो रॉ थ्रेड बच जाता है इसको काटना नहीं, काट देंगे तो केवरी गांठ खुल जाती है, तो हम इसको वीविंग में ही वीव कर लेंगे। तो इसको हमने शटल वाले थ्रेड के साथ रखना है, जैसे जहाँ पे शटल वाला थ्रेड जा रहा है उसी लूप में इसको हमने डालना है। ये देखिए, ये शटर वाला थ्रेड इस लूप में से गुजर रहा है तो हमने इसको भी इसी लूप में से गुजार लेना है ऐसे, और इसको यहाँ से पकड़ लेना है। तो इसको पकड़ लेना है और इस थ्रेड को आहिस्ता 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 आहिस्ते जोड़। इस थ्रेड को हमने शटल वाले थ्रेड, जो शटल वाला थ्रेड है इसके साथ ही रखना है, तभी ये ठीक आए इस तरीके से ऐसे। और फिर इसको ऐसे, सॉरी, ऐसे ऐसे इसको साथ जोड़। ये जो शटल वाला थ्रेड है ना, इसके साथ इसको रखना है, तो ये बीच में ही वीव हो जाएगा। हल्की सी प्रैक्टिस की बात है, एक बारी अगर आप इसको कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे किया है। ऐसे बस इसको हमने शटल वाले थ्रेड के साथ वाली लूप में ही रखना है। ऐसे मैंने लंबा इसलिए रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो अपने दो तीन नॉट्स ऐसे बना लेनी है, अब आपने एक्स्ट्रा थ्रेड को काट लेना है। उसके बाद सेम जैसे आप रिंग बनाते हैं, जितनी बड़ी रिंग बनाना चाहें उतनी बड़ी रिंग बना सकते हैं। जैसे मैंने ये फोर डबल नॉट्स की रिंग बनाऊंगी, फोर डबल नॉट्स और फिर उसके बाद लूप, फिर फोर डबल नॉट्स, फिर लूप, फिर फोर डबल नॉट्स, वन, थ्री, फोर, फिर लूप।
इस तरीके से आपने 4 डबल नॉट्स की लूप बना लेनी। अब ये रिंग बन गई। अगर हम कॉन्टीन्यूअस मेथड से ये इसको भी बनाएंगे, ये थोड़ा बड़ा रखेंगे सर्कल, सेमी सर्कल, क्योंकि ये सर्कल इसलिए बड़ा रखेंगे, ये देखिए मैं आप दोबारा से इसको इसमें से गुजार लूंगी। इस तरीके से नीचे से निकाल दे। यहां पे शटल का थ्रेड जा रहा है ना, सिर्फ उसी जगह पे आपने इसको भी ले जाना है। शटल का धागा जिस लूप से गुजर रहा है उसी लूप से आपने इसको भी गुजार लेना। इस तरीके से उसके बाद आपने इसको काट लिया। अब मैंने 6 डबल नॉट्स डालनी है और फिर उसके बाद एक रिंग। फिर उसके बाद 6 डबल नॉट्स। ये अब हाफ इससे बन गया है, ये सेमी सर्कल। तो अब इसको हमने, पहले तो हम एक और सर्कल बनाते थे उसको फिर इसके साथ अटैच करते थे, अब हमने ऐसे नहीं करना है। जैसे हमने ये बनाया है इसको हमने यहाँ तक बना के एक और सर्कल बनाया उसको अटैच किया, यहाँ हमने कोई सर्कल नहीं बनाना, हमने सीधा इसके जो टॉप वाली लूप पिकेट है उसके साथ अटैच कर देना है इसको। और हमने कौन सा थ्रेड लेना है, ये शटल वाला है। इस तरीके से हमने ये वाला थ्रेड निकालना है। सॉरी, वाली पिकेट है टॉप वाली, आपने इसके साथ शटल का थ्रेड जो है वो निकाल के और इसमें से गुजार लेना। इसको आहिस्ता आहिस्ता से इसको बंद कर। तो ये इस तरीके से रिंग बन के और ये लूप। अब हम इसको ऊपर को वर्क करना है। फिर से हमने 4 डबल नॉट की रिंग बनानी, जिसमें हमने 4 डबल नॉट्स, 3 एंड 4, 4 डबल नॉट लूप, फिर 4 डबल नॉट्स, फिर लूप,
फिर 4 डबल नॉट्स। अभी 2 है ना, तो हमने 3 बनाने। आपने रिंग को, इस थ्रेड को खींचने से पहले श्योर हो जाना है कि ये 3 पिकेट्स वाली ही रिंग हो, क्योंकि किसी के साथ इसको ज्वाइन नहीं करना है। इसमें हमने सिर्फ हमने जो कंटिन्यूस थ्रेड मेथड से अब बनानी है लूप सेमी सर्कल जो बनाना है उसको हमने टॉप पे अटैच करना है। मैंने इसको पकड़ लिए, अब यहाँ पे मैंने वर्क करना शुरू कर दिया। अब दोबारा से ऐसे जैसे पहले बनाया था वैसे बन गया। तो हमने फिर जो टॉप वाली पिकेट है इसमें से हमने शटल का धागा निकाल लिया। इसमें से ही हमने शटल अपना निकाल लिया। बस इसी तरीके से हमने वर्क करते चले जाना और ये पूरी लेस बन जाएगी। अब ये लेस आप कहीं पे भी अटैच कर सकते हो, और अगर हम जब मैट्स बनाएंगे तो उसमें हम ये वाला इस तरीके से लेस भी लगा बनाएंगे। तो इसलिए मैंने ये आपको कॉन्टीन्यूस मेथड से जो लेस बनी है इसको सिखाया है कि इसको कैसे बनाते हैं, जो ऊपर की तरफ जाती है। जो हम पहले बनाई थी वो तो साइड की तरफ जाती है, ऐसे जाती है, ये ऐसे बनती है, खड़ी लेस बनती है। तो इसको देखो हम कैसे ब्यूटीफुली कहीं पे भी अटैच कर सकते हैं। मैंने ये ऐसे सेंटर पीस है इस पर अटैच की है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देती है और बिल्कुल यूनिक लगती है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने ये लेस बनानी भी सीख ली होगी। बहुत सिंपल है, देख के भी आपको, अगर आपको शटल चलाना आ गया तो आप देख के भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से बनी हुई है। और इसको अटैच करना मैंने कई बार सिखाया है कि ये इंडिविजुअल हेमिंग से हम इसको अटैच कर लेते हैं सुई धागे से। तो उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो ठीक लगा होगा। अगर आपको इसे अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।